क्या है सर जेसी बोस के बंद संदूक का रहस्य? 85 साल से क्या रखा है इस बंद पड़े संदूक में? झारखंड के गिरिडीह में बिताए 7 साल, वह घर जहां उन्होंने ली थी अपनी आखिरी सांसें, पारसनाथ का जंगल जहां करते थे वह भ्रमण। क्या जेसी बोस ही हैं रेडियो के आविष्कारक? क्या उन्होंने ही वाईफाई का आविष्कार किया है? क्या उन्हीं की देन है 5G टेक्नोलॉजी? आइए महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस के जीवन से होते हैं रूबरू और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जगदीश चंद्र बोस दुनिया के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ साथ पुरातत्व का भी गहरा ज्ञान था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी खोजें की जिससे आज तक लोग आश्चर्य में हैं। महान एवं विश्व विख्यात वैज्ञानिक सर जेसी बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मेमन सिंह के रारीखल गांव में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। जगदीश चंद्र बोस के पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था और वे उस समय डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस का नामांकन बड़े अंग्रेजी स्कूल में न कराकर एक सरकारी बांग्ला स्कूल में कराया, जहां अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। विद्यालय शिक्षा के बाद वे कलकत्ता आ गए और सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। 22 वर्ष की आयु में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए वे लंदन चले गए। वहां से पढ़ाई पूरी कर वापस भारत आए और भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासनकाल था, इसलिए अंग्रेज भारतीय शिक्षकों को अंग्रेजों की तुलना में एक तिहाई ही वेतन देते थे, जो जगदीश चंद्र बोस को नागवार गुजरा और उन्होंने कम वेतन लेने से इनकार करते हुए 3 साल तक बिना वेतन के ही नौकरी की। अंत में प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रबंधकों को हार मानकर जगदीश चंद्र बोस की बात माननी पड़ी और सभी भारतीय शिक्षकों को समान वेतन देना शुरू करना पड़ा। उन्होंने कई खोजें भी की और लोगों के सामने उसकी सत्यता भी साबित की। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया था, जो पौधों की अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को भी ट्रैक कर सकता था। उस मशीन की मदद से ही उन्होंने पाया कि पौधों पर भी इंसानों जैसे प्रभाव पड़ते हैं। उन्होंने इस प्रशिक्षण को सिद्ध करने के लिए 2 कमरों में पौधे रखे और दोनों कमरों के पौधों के साथ वे अलग व्यवहार करते थे। पहले पौधे के कमरे में वे नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच और गलत बातें बोलते थे, जबकि दूसरे पौधे वाले कमरे में वे सभ्य बातें, सकारात्मक संगीत बजाते एवं अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। उन्होंने यह क्रिया निरंतर जारी रखी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि नकारात्मक सोच एवं गलत बातें करने वाले कमरे के पौधे मुरझाने लगे थे, जबकि दूसरे कमरे के पौधे बिल्कुल हरे भरे थे। उन्होंने इस प्रशिक्षण को सभी के सामने सिद्ध भी किया और सभी वैज्ञानिकों ने इनकी तारीफ भी की। जगदीश चंद्र बोस के पौधों के प्रति आकर्षण और पौधों के संबंध में अनुसंधान को जानने के लिए उनके बचपन की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आचार्य बोस की माता एक धर्मपरायण सनातनी महिला थी, जो शाम में बोस के गेंद खेलने पर मना करते हुए कहती थी कि शाम में पौधे आराम करते हैं और अचानक गेंद के आ जाने से उनके आराम में बाधा पहुंचती है। यह बात बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में घर कर गई और उन्होंने पौधों पर इस कारण अनेक परीक्षण करते हुए सारी दुनिया को बताया कि पौधों में भी सुख दुख की अनुभूति होती है। उन्होंने दुनिया को ये भी बताया कि प्राणी, वनस्पति और निर्जीव वस्तुओं में भी थकान होती है।
प्राणियों की थकान तुरंत एवं पौधों की थकान बहुत बाद में परिलक्षित होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं की थकान बहुत देर से दिखती है। बोस एक वनस्पति शास्त्री के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे, लेकिन वह मूल रूप से भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने 1894 में वायरलेस कम्युनिकेशन का भी आविष्कार किया और सभी को ये बताया था कि लोग दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। 1895 में लॉर्ड मैकेंजी की उपस्थिति में उन्होंने कोलकाता के टाउन हॉल में वायरलेस कम्युनिकेशन को सिद्ध किया, जिसमें उन्होंने 20 फुट दूर रखी इलेक्ट्रिक घंटी बजाई थी और गन पाउडर इग्नाइट किया था। बता दें कि जिस समय उन्होंने इस खोज को सिद्ध किया था, उस समय पूरा टाउन हॉल लोगों की भीड़ से भरा पड़ा था। जगदीश चंद्र बोस ने 1896 में किसी भारतीय भाषा में पहली बार साइंस फिक्शन की पहली कहानी निरुद्देशेर कहानी लिखी थी, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही वह भौतिकी व जीव विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो भी चुन लिए गए। जगदीश चंद्र बोस ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका में अपने खोज का पेटेंट लिया था। जगदीश चंद्र बोस विज्ञान के साधक थे एवं इनका मानना था कि विज्ञान सभी के लिए है और इसका लाभ सभी को बराबर मिलना चाहिए। लेकिन पौधों में संवेदना को साबित करने के बाद अपने दोस्तों एवं सिस्टर निवेदिता के बहुत कहने पर इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का पेटेंट लिया था और यह भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा कोई पेटेंट करवाया था। जगदीश चंद्र बोस उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिनकी वजह से दुनिया में आज वाईफाई टेक्नोलॉजी और 5G जैसी तकनीक संभव हो पाई है। वाईफाई और 5G जैसी टेक्नोलॉजी के शुरुआती शोध के कार्यों में विभिन्न वैज्ञानिकों में से एक जगदीश चंद्र बोस ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में कार्य किए थे। जगदीश चंद्र बोस ने ही सबसे पहले बिना तारों के दीवार के दूसरी ओर तरंगों को भेजा था और उस तरंग को 7 मीटर दूर तक ले जा पाने में वह कामयाब रहे थे। इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल कर मार्कोनी ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया एवं रेडियो का भी आविष्कार हुआ। आइए जानते हैं कि गिरिडीह जगदीश चंद्र बोस के लिए कितना खास रहा है और गिरिडीह से उनका क्या नाता था। गिरिडीह पहले बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब झारखंड का एक जिला है। सर जगदीश चंद्र बोस के आवास को अब सर जेसी बोस स्मारक जिला विज्ञान केंद्र गिरिडीह के नाम से जाना जाता है। पूर्व डिप्टी कमिश्नर के पाठक ने अपने कार्यकाल में इस भवन का पुनर्निर्माण करवाकर इसे स्मारक और जिला विज्ञान केंद्र का रूप दिया, जिसका उद्घाटन 28 फरवरी 1997 को बिहार के राज्यपाल डॉ. ए. आर. केदवई ने किया था। इस आवास में उनका आंगन और कुआं भी स्थित है। आवास के अंदर आंगन की ओर जाने के क्रम में जो दरवाजे हैं, उनकी कुंडी भी काफी प्राचीन है और अच्छी हालत में है। आवास पुनर्निर्माण के समय विज्ञान से जुड़ी चीजें एवं सर जेसी बोस के जीवन से जुड़ी खोज एवं उनकी कई चीजें यहाँ लाई गई और इस भवन में रखी गई। इनके आवास के समीप स्थित चौक, रोड एवं स्कूल का नाम सर जेसी बोस चौक, सर जेसी बोस रोड एवं सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय रखा गया। इस भवन में आज भी इनसे जुड़ी बहुत सी चीजें रखी गई हैं, जिनमें उनकी यादें बसी हुई हैं। इस भवन में उनके द्वारा बनाई गई मशीनें एवं यंत्र रखे हुए हैं व साथ ही उनके जीवन से जुड़ी यादें भी संजोई गई हैं। जगदीश चंद्र बोस को महात्मा गांधी के साथ अन्य बहुत से लोगों ने पत्र लिखे थे, जिनकी प्रतिलिपि आज भी गिरिडीह में स्थित उनके आवास स्थल विज्ञान भवन में मौजूद है। उन्हें बंगाल सरकार, रैले, रविंद्रनाथ टैगोर, लॉर्ड केल्विन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, महात्मा गांधी आदि ने पत्र भेजे थे। सन 1930 से सन 1937 तक जगदीश चंद्र बोस ने इस भवन में अपना जीवन व्यतीत किया था। जगदीश चंद्र बोस ने इसी भवन में 23 नवंबर 1937 को अपनी आखिरी सांसें ली थी। इस विज्ञान भवन में आज भी ब्रिटिश जमाने का इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, जो आज भी सही सलामत है। साथ ही इस आवास में उनके जीवन से जुड़ी तस्वीरें भी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस के
गिरिडीह में स्थित आवास में रखे उस बंद संदूक की, जिसमें बहुत सारे रहस्य दबे हो सकते हैं। इस संदूक को अगर हम गौर से देखें तो इसके ऊपर कुछ आकृतियां नजर आ रही हैं जो ब्रिटिश समय की है। हालांकि इस संदूक का रख रखाव लगातार होते आ रहा है, इसी वजह से यह संदूक को उन्हीं के आवास, जिसको आज गिरिडीह में विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर रखा गया है। बहुत लोगों का कहना है कि जब जगदीश चंद्र बोस गिरिडीह में अपने आखिरी दिन व्यतीत कर रहे थे, तब भी वे कोई रिसर्च ही कर रहे थे जो कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाई है। हो सकता है कि उस तिजोरी में उनकी वही खोज बंद हो। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस जी ने लंबे समय तक शोध कार्य किया है। बड़े बुजुर्गों के द्वारा पता चलता है कि उनका क्या कार्यशैली थी, दिनचर्या था, वो कैसे जंगलों में जाते थे शोध करने के लिए, दिन भर रहते थे, रात हो जाता था उनको आने में। तो इतनी बड़ी हस्ती हमारे गिरिडीह के लिए है, गौरव की बात है, गिरिडीह के लिए ही नहीं, झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए। आज हम सभी भारतीयों को महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस पर गर्व है कि उनके प्रयासों और खोजों से विज्ञान ने बेहद तरक्की की, जिससे पूरी मानव जाति को लाभ हुआ।